नए साल के प्रारंभ होते ही यूपी के लोगों को मिली कई नई सौगात। हर बेरोजगार युवा युवती को मिलेगा यूपी में घर बैठे पैसा, बस करना होगा ये काम। यूपी में शासन व्यवस्था को मजबूत करने का भी योगी ने कर दिया इंतजाम। विकास की गंगा बहाने के लिए भी यूपी में चल रही मुहिम, यूपी डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव तक ने संभाला मोर्चा। जिसे दिसंबर के महीने में पूरा विश्व नए साल की तैयारी कर रहा था, उसी समय उत्तर प्रदेश योगी सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कुछ विशेष प्लान कर रही थी। सबसे पहले प्लान यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए था और दूसरा प्लान यूपी में नई योजनाओं की सौगात देने को लेकर थी और तीसरा प्लान यूपी में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर था। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि योगी के द्वारा इन सभी प्लान का प्रथम चरण अब तक पूरा कर लिया गया है। अब ये प्लान क्या है और इस प्लान का आपको लाभ कैसे मिलेगा, इन सभी प्रश्नों के हम एक एक करके उत्तर देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवक युवतियों की आर्थिक सहायता देने के लिए अभी हाल ही में यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सभी बेरोजगार लोगों को 1,000 रूपए से 1,500 रूपए प्रतिमाह प्रदान किए जाने की बात यहां पर कही जा रही है, जिससे कि ये अपनी पढ़ाई आदि का सामान्य खर्च निकाल सके। कक्षा 10वीं से लेकर स्नातक अथवा प्रास्नातक तक के विद्यार्थी इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार संगम यूपी बेरोजगारी भत्ता पोर्टल की शुरुआत की है और इसी पोर्टल के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को आवेदन करना होगा। इसके बाद इस योजना के तहत मिलने वाली राशि आवेदक के सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। प्रदेश के ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली अथवा स्नातक या प्रास्नातक की डिग्री हासिल की है या फिर कोई अन्य कोर्स कर चुके हैं परंतु अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार का कोई रोजगार मिलता नजर नहीं आ रहा है, इस तरह के यूपी के बेरोजगार निवासी इस भत्ते के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके योजना का लाभ ले सकते हैं। तो वहीं अगर हम इसी क्रम में यूपी में होने वाले अगले बड़े बदलाव की बात करें तो नए साल के मौके पर यूपी को नए डीजीपी मिले हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के एसडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के प्रमोशन का आदेश जारी हो गया है। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनके नाम के लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रशांत कुमार 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि ये अधिकारी यूपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और उनकी योग्यता पर शक क्यों नहीं किया जा सकता। दरअसल आईपीएस प्रशांत की बहादुरी और उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 3 बार पुलिस मेडल मिल चुका है। 2020 और 2021 में उन्हें वीरता पुरस्कार दिया गया था। प्रशांत कुमार को वीरता के लिए पुलिस पदक अंतर्राज्यीय गैंगस्टर शिव शक्ति नायडू के एनकाउंटर के लिए प्रदान किया गया था, जिसने 2015 में दिल्ली में अदालत परिसर में पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस उपलब्धि से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गदगद हो गए थे और आईपीएस प्रशांत कुमार को शुभकामनाएं दे डाली थी। इनको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि आईपीएस प्रशांत कुमार 300 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं, यानी यूपी के अपराधियों के रूह थरथरानी संभव है। वहीं इसी क्रम में यूपी के लिए अगली सौगात है, वो यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र है। ये वही अधिकारी है जो यूपी में नई नई योजनाओं के द्वारा यूपी के विकास व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हालांकि बीते दिनों से ये बात चर्चा में थी कि नए साल के मौके पर ये पद किसी और को दे दिया जाएगा, लेकिन अब इस पद पर दुर्गा प्रसाद मिश्र ही रहेंगे। ये भी यूपी के विकास के लिए बेहतरीन बात है। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।